नमस्कार दोस्तों, पॉलिटीवुड में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस शिफ्ट 2 के कुछ क्वेश्चंस जो पूछे गए थे इस बार, यानी कि 11 अक्टूबर 2022 में। चलिए डिस्कस करते हैं। इसमें जितने सारे क्वेश्चंस हैं वो सारे स्टूडेंट्स के माध्यम से कलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, इसलिए एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या थे वो आप लोग खुद इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। चलिए, तो एक था क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन था, हेडक्वार्टर ऑफ बिम्स्टेक आप सबों को पता है, इसका हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में है। इसके बाद एक क्वेश्चन था, ऑरेंज रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू विच कंट्री, तो ये यूक्रेन है। इसके बाद था कि इंडिया ने इस ट्रीटी में से कौन से ट्रीटी को साइन किया है, सेपा, साल्ट, सीटीपीटी, एनपीटी, तो इसमें सेपा ने इंडिया को साइन किया है। इसके बाद था कि ओम्बस्टमैन जो है वो फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर, तो ये सबसे पहले स्वीडन में 1809 में, और भारत में सबसे पहले 1968 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके बाद इसको थिंकर के नाम दिए गए थे, आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना था, अरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, रूसो, समथिंग। चलिए आगे देखते हैं, वीवीपैट से रिलेटेड क्वेश्चन था, इसको सबसे पहले कब यूज किया गया था, 2013 4 सितंबर को यूज किया गया था, जो वोटिंग के टाइम में यूज होता है। इसके बाद एक क्वेश्चन नियो कॉलोनियलिज्म था, इसके बाद सिटीजनशिप एक्ट से था। इसके बाद एक टर्म, एक क्वेश्चन था कि इको फेमिनिज्म टर्म जो है वो किसने क्वाइन किया है, तो इट वाज क्वाइंड बाय फ्रैंकोइस डी एबोइन इन 1974, इसको आप लोग याद रख सकते हैं। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि सिक्स ग्लोरियस एपोस जो बुक है वो किनकी बुक है, तो ये आपकी सावरकर की बुक है। मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन से एक क्वेश्चन था। इसके बाद शारदा सदन किससे रिलेटेड है, तो पंडित रमाबाई ने इसके एस्टेब्लिशमेंट की थी। इसके बाद समथिंग हीगल वॉर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था। इसके बाद द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म ये किनकी बुक है, समथिंग इससे एक क्वेश्चन आया था, नेशनलिज्म से एक क्वेश्चन आया था। इसके बाद आप देख सकते हैं बदौनी बुक्स एंड किनेथ वॉल्स रिलेटेड टू विच आइडियोलॉजी, एक एक क्वेश्चन आया था, यानी कि नियो रियलिज्म से क्वेश्चन था। इसके बाद आप देख सकते हैं क्रोनोलॉजी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जितने चरण हैं, 5 चरण हैं, तो उसमें से सारों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना था। इसके बाद एक क्वेश्चन आया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल, उससे रिलेटेड आया था एक क्वेश्चन। इसके बाद पंचायती राज कमेटी कुछ दिए गए थे, उसमें से चूज करना था। इसके बाद आया था शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, 3, 7, 8, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। इसके बाद था हाउ मेनी लैंग्वेजेस वेर एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, बोरो, डोगरी, मैथिली और संथाली, आप लोग उसको देख सकते हैं। और इसके बाद था थ्योरी ऑफ एक्सेप्टेंस किसकी है, तो ये चेष्टा बनवाट की है। तो बाकी क्वेश्चन जैसे ही मुझे मिलते हैं मैं आप लोगों के साथ जरूर